वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बजाज। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइम वैल्यू फॉर मनी। तो अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो वो क्या होता है? मान लीजिए ये होता है बच्चे आप कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन एक ऑप्शन उसमें से पिक कर लिया, ठीक है। तो आप एक टाइम के बाद अपना ये वैल्यू करते हैं कि जो ऑप्शन आपने चूज किया है और जो अदर ऑप्शन आपने लेफ्ट किए हैं उसमें से कोई एक लेकर, कि अगर आप वो वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ या वो वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपके पास किस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, किस तरह से आपके पास चीजें होती है, या फिर आप कितना अर्न कर पाते, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो इस चीज को वैल्यूएट करना आपका कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो देखिए पढ़ते हैं, इतना आपका टफ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। बस थ्योरेटिकली आपको पढ़नी है वैसे तो सब चीजें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर और बिजनेस मिस आउट व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। व्हाइल फाइनेंशियल कॉस्ट डू नॉट शो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिजनेस ओनर कैन यूज इट टू मेक एजुकेटेड डिसीजन व्हेन दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस बिफोर देम। द टफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स अप ऑफन इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स व्हेन ट्राइंग टू चूज वन इन्वेस्टमेंट ईदर फाइनेंशियल और कैपिटल। चाहे आप फाइनेंशियली यूज कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन को कैपिटल वाइज यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप लोग क्या कौन सा करा सकते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ एन इकोनॉमिक चॉइस एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट बेस्ट वन। तो इस तरह आपकी इकोनॉमिक चॉइस एक को आप कंपेयर कर रहे हैं उससे जो नेक्स्ट जो भी आपकी बेस्ट वन हो अदर ऑप्शन, तो दो को आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग टू फाइनेंस अ कंपनी विद डेट ऑफ एन इश्यूइंग स्टॉक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली क्वांटिफाइड एट द टाइम व्हेन इट इज। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप फुल्ली क्वांटिटी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं जब आप एक डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इनस्टेड द पर्सन मेकिंग द डिसीजन कैन ओनली रफली एस्टिमेट द आउटकम्स ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। तो जो भी बंदा बैठा है और अपने डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव में से या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी एक नहीं बता सकता है कि उस टाइम पर चूज करते टाइम कौन सा बेस्ट हो। ऑब्वियसली आप लोग देखते हैं बेस्ट चूज करते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा लग सकता है दैट के वो ऑप्शन ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो जो भी पर्सन डिसीजन ले रहा होता है आपके, वो क्या बेटा हर बंदा क्या करता है, एक एस्टिमेट ही लगाता है हर अपने वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के लिए कि इतना अर्न हो जाएगा या इतना अर्न हो जाएगा। विच मीन्स इम्परफेक्ट नॉलेज, इसका मतलब है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं थी, आप परफेक्टली नॉलेजेबल पर्सन नहीं थे। तो विच मीन्स इम्परफेक्ट नॉलेज कैन लीड टू एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब अगर आप इम्परफेक्ट नॉलेज के साथ डील कर रहे हैं तो आपको क्या लीड करना पड़ेगा बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। दैट विल ओनली बिकम ऑब्वियस इन रेट्रोस्पेक्ट। दिस इज अ पर्टिकुलर कंसर्न व्हेन देयर इज अ हाई वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। टू रिटर्न द फर्स्ट एग्जाम्पल, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट 7% माइट हैव अ हाई वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, सो माइट नॉट जनरेट फुल 7% रिटर्न ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है कि अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, 7% रिटर्न आपको मिल रहा है, पॉसिबल है आपको कि वो 7% मिल रहा है फ्यूचर में हाई भी हो जाए, बट इट डजंट मीन कि ऑल ओवर फ्यूचर आपको इतना फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो मिलता रहेगा। मार्केट में जिस तरह से अप डाउन आते रहते हैं तो आपका ये परसेंटेज भी कम हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको देखनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, अगर आप अदर प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो उसमें एक श्योरिटी थी या नहीं थी अप डाउन होने की, ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी बेटा, कंसिडर करने पड़ेंगे टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट ऑलवेज वर्क, हमेशा काम नहीं करता है। सिंस इट कैन बी टू डिफिकल्ट टू मेक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ टू अल्टरनेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन मींस क्वांटिटी में कि इतने रुपए में रुपीज में या फिर आपको नंबर ऑफ आइटम्स में, तो ये मेजरमेंट आपका क्या हो जाता है बेटा, हमेशा ही आपका कैसा होता है, डिफिकल्ट टू मेक, हमेशा डिफिकल्ट रहेगा आपका, आप एकदम से नहीं कर सकते हैं। कि हो सकता है क्योंकि अगर आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाते तो आप उतना बेटर काम कर पाते हैं नहीं कर पाते जितना दूसरे कर रहे हैं,
तो ये एक पॉसिबिलिटी थी इसमें, इसके अप डाउन में आ सकती है. इट वर्क्स बेस्ट व्हेन देयर इज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजर. अब ये बेस्ट काम करेगा जब आप कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इसको देख रहे हैं तो. सच एज मनी स्पेंड और टाइम यूज. ठीक है, तो अगर आप पैसे में या फिर टाइम में मेजर कर रहे हैं, भाई उन्होंने उनका जो काम हुआ वर्क डन आपका 2 घंटे में हो गया और आप लोगों ने पूरे 8 आवर्स या होल डे या आपने 1 डे लेबर यूज करके उस चीज को अचीव किया. ठीक है, सॉरी. तो दो ऑल्टरनेटिव में आपके पास, या तो आप मनी में मेजरमेंट कर लें इसको, या फिर आप इसमें मेजर करेंगे तो चे जितना भी टाइम आपने उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने में या फिर उस कॉस्ट को बनाने में या उस प्रॉफिट को कमाने में अर्न किया है, उससे आप उसे मेजरमेंट कर पाएंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सो डज नॉट अपीयर इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटिटी. ये कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए कहीं पर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया जाता है. दैट यू कैन सी ओनली दैट्स ओनली अ financial statement, nothing else. So it is strictly a financial analysis concept. Now is opportunity cost, how is opportunity cost calculated? किस तरह से आप लोग calculate करते हैं? तो बेटा NPV से net present value से आप लोग उसको calculate करते हैं. इससे NPV का formula आता है आपका. Then where L stand for net present value and FCF stand for free cash flow and R stand for discount rate and N stand for number of periods. When presented with mutually exclusive options, the decision making role is to choose a project with the highest NPV. जब भी आप decision option choose कर रहे हैं, decision making कर रहे हैं, तो आपको जो highest NPV आपको show कर रहा है उसके साथ आपको जाना है. However, if the alternative project gives a single and immediate benefit, the opportunity cost can be added to the total cost including cost of operation आपका CO. And so as a result, this rule then changes the choosing the project with the highest NPV to undertaking the project is NPV is greater than 0. ठीक है, तो हाईएस्ट अगर आप NPV चाहते हैं तो जो NPV होगी आपके प्रोजेक्ट की वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो आपको हायर रिटर्न्स आपके मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी. फाइनेंशियल एनालिटिक्स यूज फाइनेंशियल मॉडलिंग टू इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं आपको, ये एग्जाम्पल में ज्यादा ख्याल रखना पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट आपको बता रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम इज द कांसेप्ट दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द आइडियल सम इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी. तो बेटा आपका ये बता रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कि आपके पास जो आज पैसे अवेलेबल है उनकी वैल्यू ज्यादा है जितना कि आप फ्यूचर में पोटेंशियली उससे अर्न कर सकते थे उससे. ठीक है, प्रोवाइडेड दिस फोर प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस होल्ड दैट प्रोवाइडेड मनी कैन अर्न इंटरेस्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी इज वर्थ मोर देन सूनर इट इज रिसीव्ड पीवीएम इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एट प्रेजेंटेड डिस्काउंट वैल्यू पीवीएम विच इज आपके टाइम वैल्यू मनी प्रेजेंटेड डिस्काउंट वैल्यू से भी आप देख सकते हैं आज 1 रुपए की. इसमें क्या होता है बेटा, एक आपको एनपीवी फैक्टर दिया होता है. ठीक है, उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने अमाउंट को, तो आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में या इस टाइम आपको इस इतना रुपये इन्वेस्ट करने से इतनी रिटर्न आपको मिलने वाली है. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू फॉर मनी. सो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी ड्रॉज द आइडिया दैट नेचुरल इफेक्ट इन्वेस्टर प्रेफर टू रिसीव मनी टुडे रादर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर. ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि जो इन्वेस्टर है आज पैसा लेना मंजूर करते हैं रादर देन इन फ्यूचर. ठीक है, क्योंकि हो सकता है आफ्टर अ टाइम गैप आपकी ये वैल्यू क्या हो जाए, मतलब पैसे की कम हो जाए जितनी आज आपको रिसीव हो रही है. ठीक है, तो इसको हम किससे मेजर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है. तो एग्जाम्पल इसका आगे दिया हुआ है. ठीक है, तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोगों ने, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइम वैल्यू फॉर मंथ ऑफ मनी. प्रैक्टिकली आपका सारा कॉन्सेप्ट आना है, तो स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव